हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच, और मैं हूँ राहिला। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खुश और खैरियत से हूँ। तो आपके एक नए व्लॉग में, मेरे एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम घुसते हैं व्लॉग में, तो चलो चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो रेडी फिंगर लगी थी स्टार्टिंग वाले। चलो चलो यार, अब पुलिस लग रही हो गई। चलो चलो रुक, ऐसे नहीं चलता। अभी राती समझ आ गया नहीं है क्या कुत्ते ही ना लगे पीछे। ठीक है, देखना तूने यहाँ नहीं देखना, देखना आगे वहां देख। मतलब तेरी ना ये रुकेगा कौन? ये बहुत हैवी है, इस ये हाथों की आदत है, जब इसको वेट सहने की आदत हो जाएगी ना। अच्छा अच्छा मरी, ये तेरी दिमाग की पावर है। ये स्कूटी सीखने की तैयारी हो रही है। सुबह के कितने बजे हैं? नहीं बोले खड्डा है ये। एक मिनट, अपने आगे देखना। ये 5:30, तू 5:30 बजे अगर नहीं रुके वॉक के बहाने हम स्कूटी सीखने की जात सीख रहे हैं। मैंने एक बार पहले भी सीखी थी, लेकिन अब मैं फिर भूल गई हूँ। भूल गई हूँ इन द सेंस कि बहुत टाइम तक मैंने चलाई नहीं, तो निकल गया दिमाग से। प्रैक्टिस नहीं हुई है दोबारा से। जहाँ तक तुझे लगे नहीं अभी रखा था यहाँ पे। कहाँ रखूँ? रख यहाँ यहाँ पे। छोड़, मुझे तो कुत्तों का डर है कोई कुत्ता ना आ जाए। आगे देख, मेरे को छोड़ के देखना कैसे भाग गए। मुझे तो कुत्तों का डर है, कुत्ते ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। और वो प्यारा सा चांद, सुबह सुबह ठंड। मुझे लगा कि मुझे ठंड नहीं लगेगी, शुक्र है मैंने जैकेट पहन ली। ठंड है सुबह के टाइम पे। मेरी वॉक तो यहां से वहां, वहां से यहां करते करते ही हो जाएगी। सो
अजान हो रही है। परिंदों की आवाजें, पूरे दिन भर आपको ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये क्योंकि सुबह का टाइम ही होता है जब आपको खूब सारे परिंदों की आवाज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, और बहुत सारे परिंदे आपको दिखाई देते हैं। आजकल तो इतने पॉल्यूशन की वजह से कितने परिंदे हैं जो यहाँ पे, जो हमें पहले नज़र आते थे और अब नज़र आते ही नहीं हैं। पॉल्यूशन लगा लो या कुछ भी लगा लो, कोई वजह तो है जिसकी वजह से परिंदे नहीं दिखाई देते, बहुत कम, बहुत रेयर दिखाई देते आपको गांव एरिया में। मुझे तो नहीं दिखाई देते एटलीस्ट, या शायद अब हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम परिंदों को देखें सुने। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, सिटीज़ की लाइफ इतनी इतनी मतलब इतनी वो हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता परिंदों की आवाज़ें सुनने के लिए। हाँ, कुछ हद टाइम निकाल लेते हैं हम वॉक करने के लिए, जिसमें हम ये सब चीज़ें दिख भी जाती हैं और सुनाई भी दे जाती हैं, और इतने टाइम के बाद हम सुनते हैं तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आई स्कूटी की जांच कुछ ये चल रहा है। देखिए, ये हमारी सिस्टर जो है ये स्कूटी चलाना सीख रही है, तो अब आप देखते जाओ ये कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगी। चल चलो, सुने आगे देखना, आगे देखना। जी हाँ, सुने, चले ब्रेक मार, ब्रेक मार कर मैं भी आता हूँ। रूबी पम दम दम से चलना, कुत्ते शुत्ते का ध्यान रखना। सुने ब्रेक मार कर, कुत्ते आएंगे मैं भाग जाऊंगी। अच्छा, मैं स्कूटी छोड़ रहा हूँ। डंडा देगा ना मुझे, मैं करूँगी वो करेगा वो करेगा वो इंसान अड़िए दो टांग और चार टांग खड़ी नहीं होता करेगा। चलो चलना है तो अब चलो। चला ली मैंने चार हाथों में स्कूटी, दो हाथ ऊपर खड़े हैं, दो सही है। चलो मैंने कहा ये सेंसर करना पड़ेगा। उतरो मैं भी डंडा छोड़ देना। हाँ, ठंडे हो गए। क्या कहते हैं, बंद में ही स्टैंड हटाना, कल साइकिल चलाएंगे। ओके, मुझे भी ले बैठ गई। हाँ, ये अंधेरे की फोटो जा रही थी। वो नहीं है तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद वो आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहें। तो कुछ सजेशन होंगे आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही, अगले व्लॉग में फिर से मेरी आप
की मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।